सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम बहुल कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज फिर से मैंने एवी प्लेयर का एक न्यू टेम्पलेट लेके आ गया हूँ जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इस टेम्पलेट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इस टेम्पलेट में पासवर्ड लगा हुआ है जो कि आपको वीडियो में कहीं पर भी मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, इसको यूज कैसे करना तो सारा कुछ बताने वाला इस वीडियो में, तो इस वीडियो का एंड तक देखते रहें। और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। सो दोस्तों, फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, और यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं एवी प्लेयर, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास एवी प्लेयर एप्लीकेशन नहीं है तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा इस डब्बे पर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना होगा। और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, लोड फॉर्म फाइल। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन का गैलरी खुल जाएगा, और जहाँ पे आप टेम्पलेट को डाउनलोड करके रखे होंगे वो सिंपली वहाँ पे जाना होगा, और वहाँ पे जाने के बाद उसको सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे, ये है फोल्डर, इसमें हम जाते हैं, और जाने के बाद आप देख सकते हैं ये है हमारा टेम्पलेट। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो है ये एवी प्लेयर के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस तरह से क्लिक करने के बाद आपका एवी प्लेयर के अंदर ऐड नहीं होता है तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी टेम्पलेट को एवी प्लेयर के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा एवी प्लेयर के अंदर ये टेम्पलेट ऐड हो चुका है, ठीक है। तो चलिए हम इस पर आप क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये टेम्पलेट है, और इसको एडिट कैसे करना है, इसको यूज कैसे करना है, तो मैं यहाँ पर सारा कुछ आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इस पेंसिल के आइकन पे, और इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको लिखा हुआ है ऐड बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। एक इमेज है जिसमें लिखा हुआ ऐड बैकग्राउंड इमेज, तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा ऐड बैकग्राउंड इमेज पे, और यहाँ पे फिर से जेंडर पे क्लिक करना होगा। जेंडर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको आपको इनेबल कर लेना होगा, ठीक है। जैसे आप इनेबल करेंगे तो यहाँ पे आप जो भी पोस्टर या थंबनेल रहेगा यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पे जो आप देख रहे थे हमारा यहाँ पे थंबनेल लगा हुआ था, तो उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इस इमेज पे क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको कस्टम इमेज पे क्लिक करना होगा, और कस्टम इमेज पे क्लिक करने के बाद एक बार और लास्ट बार यहाँ पे आपको पिक इमेज पे क्लिक करना होगा। जैसे आप पिक इमेज पे क्लिक करते हैं आपका फ़ोन का गैलरी खुल जाता है, और यहाँ से कोई भी पोस्टर या फिर थंबनेल को लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लगाने के बाद आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो ये स्पीकर दिख रहा है, तो आप चाहे तो स्पीकर को यूज भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको स्पीकर दिख रहा होगा तो यहाँ से यूज भी कर सकते हैं, या फिर इसको डिसेबल कर सकते हैं यानी ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, या फिर इसको ऑफ करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो, तो पसंद आया तो लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।